हाउ टू फिक्स फेसबुक मैसेंजर नोटिफिकेशन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकिराज यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है फेसबुक मैसेंजर का नोटिफिकेशन प्रॉब्लम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके फेसबुक मैसेंजर पे नोटिफिकेशन रिसीव नहीं हो पा रहा है, फेसबुक मैसेंजर पे नोटिफिकेशन बिल्कुल नहीं आ रहा है, ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर दो तरीके का सॉल्यूशन बताऊंगा। एक होगा दोस्तों आपके मोबाइल का और दूसरा होगा आपके एप्लीकेशन का, ठीक है। तो क्या क्या यहाँ पर नोटिफिकेशन सेटिंग करना है, क्या क्या सॉल्यूशन करना है, वो सब कुछ आपको इस वीडियो पे पता चलेगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, जो भी सॉल्यूशन होगा उसको फॉलो करें, जो भी सेटिंग होगा उसको फॉलो करें, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक करें, और अगर आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा। किसी भी प्रॉब्लम की रिगार्डिंग पर आप हमें ट्विटर पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, तो मैं आपको मैसेंजर के अंदर पे लेके जाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको अपना प्रोफाइल ओपन कर लेना है। प्रोफाइल ओपन करने के बाद दोस्तों आपको नोटिफिकेशन सेटिंग यहाँ पर ओपन कर लेना है। नोटिफिकेशन पे जाने के बाद आपको नोटिफिकेशन टर्न ऑन कर देना है, ठीक है, ऑन कर देना है नोटिफिकेशन को। उसके बाद नोटिफिकेशन प्रीव्यू आपका ऑन होना चाहिए, नोटिफिकेशन लाइट ऑन होना चाहिए, नोटिफिकेशन साउंड यहाँ पे आप सेलेक्ट कर ले, ठीक है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया मैसेंजर का डिफॉल्ट साउंड। उसके बाद हो गया वाइब्रेट ऑन रिंग इन ऐप साउंड, ठीक है। एंड न्यू फ्रेंड नोटिफिकेशन भी आप कर सकते हैं, मैनेज नोटिफिकेशन का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, तो उसमें भी जाइए। तो ये दोस्तों हो गया मोबाइल के अंदर पे, तो इसको भी ऑन कर लीजिए। एंड देन बबल आपका ऑन होना चाहिए, ठीक है। ऑल नोटिफिकेशन साउंड ऑन कर दीजिए, चैट्स साउंड ऑन कर दीजिए, यहाँ पर कोई भी लिमिटेशन नहीं होना चाहिए। पॉप अप ऑन स्क्रीन ये आप चाहे तो इसको ऑन कर सकते हैं या फिर इसको बंद भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप पॉपअप रखते हैं तो आपको पॉपअप पे नोटिफिकेशन मिलेगा मैसेंजर का, ठीक है। जब मैसेज आएगा तो आपका मैसेंजर का मैसेज इस तरीके से ऊपर में शो होगा। उसके बाद इम्पोर्टेंट में सेट कर लीजिए इसको, ठीक है। यहाँ पे एडवांस सेटिंग का भी ऑप्शन है, यहाँ पे साउंड सेलेक्ट कर सकते हैं, वाइब्रेशन ये सब ऑन कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन डॉट एंडेंट सारे सेटिंग्स को ऑन कर दीजिए। सारे सेटिंग्स ऑन करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे सेट हो जाएगा और आपका प्रॉब्लम भी फिक्स हो जाएगा। और दोस्तों अगर आपने अभी तक मैसेंजर को अपडेट नहीं किया है तो जाइए अपडेट कर दीजिए, ठीक है। तो मेक श्योर आप इस ऐप को अपडेट करें। अपडेट करने के बाद दोस्तों आप चेकआउट करके देखें, आपका प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे मैसेंजर के नोटिफिकेशन प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। सेटिंग करने से आपका काम बन जाएगा, सॉल्यूशन भी हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको मैसेंजर नोटिफिकेशन पे प्रॉब्लम है तो ये सारे सॉल्यूशन आप कर सकते हैं और अपने प्रॉब्लम को फिक्स कर लीजिए। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।